हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये लॉरियल का इनफालिबल 24 आवर मैट कवर फाउंडेशन। और लॉरियल इनफालिबल का एक ग्लास बॉटल में भी फाउंडेशन आता था, वो भी मैंने कुछ साल पहले काफ़ी यूज़ करा हुआ है एंड इट इज़ अमेजिंग। इट्स लॉन्ग लास्टिंग, लुक्स वेरी ब्यूटिफुल ऑन द स्किन और ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो। ये भी ऑयली स्किन के लिए अच्छा है ऐसा ये बोलता है, बिकॉज इस पर लिखा हुआ है SPF 20 PA ट्रिपल प्लस लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन। तो मैट है तो ऑब्वियसली ऑयली स्किन के लिए अच्छा होगा ही, और अच्छा है, ये अच्छा लगता है अगर कम क्वांटिटी में लगाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। हाई कवरेज नेचुरल रिजल्ट, तो जब भी हाई कवरेज करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हाई कवरेज के लिए हमें एक्स्ट्रा फाउंडेशन चाहिए होता है, और उसमें क्या होगा कि आपको कवरेज तो मिल जाएगी, आपको उस टाइम पर लगेगा कि कितनी सुंदर कवरेज, फिनिश इतनी अच्छी लग रही है, बट 2-3 घंटे के बाद वो केक ही लगने लगता है। इवन आफ्टर अप्लाइंग अ सेटिंग स्प्रे, मैंने पैक का सेटिंग स्प्रे इसके साथ यूज़ करा था, बट पैक मुझे इतना पसंद तो नहीं है, मुझे निक्स का मैट जो स्प्रे आता है वो ज़्यादा पसंद है, या फिर मैक का जो प्रेप एंड प्राइम आता है वो भी ठीक लगता है। बट इसको मैंने बिना स्प्रे के भी, मेरे लिए फाउंडेशन देखिए ऐसा होना चाहिए कि जो बिना सेटिंग स्प्रे के भी लॉन्ग लास्टिंग रहे, केकी नहीं लगे, तभी वो पास कर सकता है। जैसे एस्टे लॉडर है, लॉरियल का जो इनफैलिबल ग्लास बॉटल में आता है, एलेगल प्रो मैट है, फेंटी ब्यूटी का जो मैट फाउंडेशन आता है, दे आर रियली गुड। पर ये जब हम हाई कवरेज करने की कोशिश करते हैं तो केक ही लगने लगता है। आप कम क्वांटिटी में लगाएंगे तो फिर भी ठीक लगेगा। शेड जो है 240 नेचुरल हनी, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे फाउंडेशन मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो मेरे को इससे ज़्यादा कवरेज करनी नहीं है, और ज़्यादा कवरेज करने के बाद मैंने आपको बताया ही, तो इसको मैं ऐसे थोड़ा कर लेती हूँ ताकि आप शेड देख सको। यहाँ पे ऐसे दिखाती हूँ, ज़्यादा लाइट नहीं आएगी, थोड़ा दिख रहा है आपको, मैं क्लोजअप कर दूँगी। तो येलो अंडरटोन्स है, वॉर्म अंडरटोन्स है, और बहुत सुंदर लगता है ये शेड मेरे फेस पर, और मुझे कलर करेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो मेरे डार्क सर्कल्स थे, पर मैंने डार्क सर्कल्स के लिए आईसेल करवाया था, और उससे मेरा ये जो अंडर आई वाला है ना, मेरा वैसे ऊपर का पार्ट ये ज़्यादा डार्क रहता है, तो इधर तो है ही थोड़ा, बट इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो इतना ना, अगर जैसे मैं वार्म टोन फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ तो मुझे कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर भी मुझे लगता है पहले से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है। पर फिर भी ना, फाउंडेशन लगाने के बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ वार्म टोन वाला यहाँ पर। तो अभी मैं आपको फेस पर लगाकर दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगता है। फेस पर अभी ये कुछ आंकने हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, इधर है, तो वो कंसीलर बाद में ही लगाएंगे। ये फाउंडेशन यहाँ मैं लगा लेती हूँ, इधर लगा लिया है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, इधर, यहाँ पे, और ज़रूरत पड़ी तो देखती हूँ, पर पहले कम ही लगाना कि एक्स्ट्रा ना हो जाए और वेस्ट भी ना हो, क्योंकि हम ना कभी कभी बहुत फाउंडेशन निकाल लेते हैं तो वेस्ट भी हो जाता है। पर मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, काफ़ी लाइट वेट है और आप इसे कैरी करके भी ले जा सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, तो अच्छा है। ठीक है, ये लगा लिया मैंने फेस पर, और इसको ना मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे ज़्यादा अच्छी फिनिश ब्यूटी ब्लेंडर की ही लगती है, और उससे आकने भी कम होते हैं, क्योंकि इसे हमें हर बार क्लीन करना होता है, तो मुझे यही ठीक लगता है। और ये है ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर, काफ़ी महंगा आता है, ये फाउंडेशन से भी ज़्यादा महंगा है, ये 2000 रुपये का है, बट इट्स ओजी, ओजी होता रहा, यही आजकल लोग बोलते हैं, मैं सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, इसको बस अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से हो जाता है ब्लेंड। मुझे जब भी अपना क्विक मेकअप करना होता है ना, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना तो करेक्टर की ज़रूरत है, और फटाफट से ये हो जाता है ब्लेंड, और ज़्यादा कुछ ऐसे लेयर्स नहीं लगाने पड़ते ना, प्राइमर हमने लगा रखा है बस, फिर फाउंडेशन लगाइए। और देखो, थोड़ा पीला ये लग रहा है अगर आप मेरी नेक से कंपेयर करोगे, बट मुझे ग्रे लगने से अच्छा पीला लगना मंजूर है, मैंने बहुत बार बताया, बिकॉज ग्रे फेस पर जैसे आप ग्रे लगने लगते हो ना, तो वो फोटोज़ में बहुत गंदा लगता है, और वैसे भी गंदा लगता है, तो आप येलो लग लो, वो ज़्यादा बेटर ही है। तो अभी मैं इसे पर ब्लेंड कर लूँगी ना, तो देखना ये अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा कंसीलर यूज़ करूँगी इसके ऊपर, तो पूरा मेकअप ना अच्छा लगता है, मेरी नेक से मैच हो जाता है। मुझे नेक पर फाउंडेशन लगाना नहीं पसंद है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि वेस्ट भी होता है, तो ऐसे ही ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि नेक और फेस ना थोड़ा मैच हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने इस फाउंडेशन की अभी नोटिस करी, कि जब भी आप इसको अपने फेस पर लगा लोगे ना, तो फटाफट से ब्लेंड कर लो, क्योंकि फिर आपको बाद में ब्लेंड करने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी जैसे मैंने फाउंडेशन लगा लिया, मैं बोलती रही, मैंने कुछ सेकेंड्स फिर वेट भी कर लिया,
तो अब जो फाउंडेशन लगा हुआ है ना वो इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप अपने फेस पर लगाओ आप तुरंत इसको ब्लेंड कर लो। मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड आई थिंक इट इज़ लुकिंग वेरी नेचुरल। अच्छा शेड है, अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है तो आप सॉफ्ट हनी के लिए जा सकते हो। इसमें एक दो शेड्स और आते हैं गोल्डन वाले, वार्म टोन्स वाले, वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको येलो टोन में लेना है। बाकी मैं थोड़ा सा कंसीलर अभी यूज़ करूँगी यहाँ पे, जैसे यहाँ थोड़ा सा एशी लग रहा है। कवरेज देखो, मैंने ज़्यादा फाउंडेशन लगाया ही नहीं, अब लगाऊंगी तो मिलेगी ना। यहाँ पर मेरे एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं, रेडनेस है यहाँ पर, ये देखो इधर, यहाँ पर ये एक्ने है, इधर थोड़ा सा आशी है, यहाँ पर है थोड़ा सा आशी। और फेस को थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए, हाइलाइटिंग के लिए भी मैं लाइट कंसीलर यूज़ करूँगी। बाकी हाँ, मतलब मुझे ठीक लगती है इतनी कवरेज, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे को डेली बेसिस के लिए अगर कोई फाउंडेशन यूज़ करना है तो उसमें इतनी कवरेज नहीं भी मिले तो चलेगा। तो जैसा ये है, इसका नाम नेचुरल हनी, तो हाँ ये नेचुरल लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस फाउंडेशन को यूज़ करना। और अब मैं थोड़ा सा ना इस पर कंसीलर यूज़ करूँगी, लॉरियल इन्फैलिबल का ही कंसीलर है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मुझे इसे बहुत ही इसको तंग कर करके निकालना पड़ता है, ये मुझे ख़रीदना पड़ेगा। द शेड इज़ आमंड आई गेस 317, बहुत बहुत अच्छा शेड है ये। अगर आपको करेक्शन करनी है, कंसीलर का भी काम करना है, ये मेरे दोनों का काम करता है ना। मुझे ऑरेंज इतना जब नहीं लगाना होता क्योंकि फिर इतनी सारी लेयर्स हो जाती है ना, और आई के पास कभी कभी पुट्टी सी ऐसी बन जाती है तो वो नहीं अच्छा लगता, और ऐसे क्रैक्स आ जाए ना जब। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं मेबेलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और इसको यहाँ पे मैंने लगाया है थोड़ा सा, थोड़ा इधर, दोनों कंसीलर को ना मैं साथ में ही ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैं ये जो डार्क वाला है वो यहाँ पर लगा रही हूँ, और फिर साथ में ना इसको यहाँ पर भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। मैंने कंसीलर भी ब्लेंड कर लिया है और मुझे मेरा बेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और फाउंडेशन के ऊपर कंसीलर लगाने के बाद ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे हाई कवरेज की ज़रूरत है, इतना भी काफ़ी है। अगर मुझे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप नहीं चाहिए, मैं किसी ऐसे फंक्शन में नहीं जा रही, इवेंट में नहीं जा रही, 4-5 घंटे के लिए है तो इतना काफ़ी है। सो आई एम डन विद माई कम्प्लीट मेकअप एंड आई थिंक इट इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस। थोड़ा सा 19-20 का हो रहा होगा, बट 2-3 घंटे के बाद ना वो ऐसे थोड़ा मर्ज होगा ये फाउंडेशन स्किन में ना, ऑक्सीडाइज बोल लो या ऑयल की वजह से हो जाता है, बट ज़्यादा सुंदर लगने लगता है, एक ग्लो सा आता है फेस पर, क्योंकि अभी तो पाउडर भी लगा रखा है। फाउंडेशन कंसीलर के बाद पाउडर भी मैंने अपने फेस पर लगाया था, लूज पाउडर, ब्लश और थोड़ा सा हाईलाइटर, हाईलाइटर ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक्ने है तो फिर एक्ने चमकने लगेंगे, पर ये अच्छा लग रहा है। हाँ सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये। और पोर्स वगैरह तो मेरे प्राइमर से ही थोड़े कम हो गए थे, और कहीं पर ऐसे आशी जस्ट थोड़ा, मुझे माउथ कह रहा हूँ थोड़ा सा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, वीडियोज़ में पिक्चर्स में ही अच्छा लगता है और इतना कुछ ऐसे नहीं। जब थोड़ा सा और ऑयल आ जाएगा ना, क्योंकि ये मेनली ऑयली स्किन के लिए ही है, तो ये ज़्यादा सुंदर लगने लगता है फाउंडेशन। और इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ, उस पर लिखा है 24 आवर मैट कवर, तो 24 घंटे तो ये नहीं रहता है, मैंने 12 घंटे लगाकर देखा है तो केक ही होने लगता है, तो हाँ 24 आवर्स नहीं रहता है। SPF 20 तो सुबह के लिए अच्छा है, PA++ भी है तो सनस्क्रीन का भी काम कर जाएगा, अगर आपको दिन में लगाना है तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है ये। देखिए अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए ना, तो आप ग्लास बॉटल वाला लॉरियल इन्फैलिबल फाउंडेशन ट्राई करो, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे ख्याल से मैंने 12-13 घंटे से भी ज़्यादा उसमें सर्वाइव करा है, और मेकअप अच्छा लग रहा था फिर भी बिना सेटिंग स्प्रे के। और लिखा है इस पर लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन, तो लॉन्ग वेयर इतना नहीं है, मैट है, ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, पर अप टू 8 आवर्स 10 आवर्स चलो लगा लो, बट 8 to 10 आवर्स। हाई कवरेज नेचुरल रिजल्ट, तो हाई कवरेज इतनी मैं नहीं बोलूँगी, बट जितनी भी मिली है ना तो वो मुझे अच्छी लग रही है। अगर मैं इससे ज़्यादा लगाती हूँ फाउंडेशन, पर इतने में भी मुझे लग रहा है कि कवरेज सफिशियंट है, इससे ज़्यादा लगाऊंगी तो केकी हो जाता है। और लिखा है नॉन कॉमेडोजेनिक, तो आपके पोर्स वगैरह क्लॉग नहीं होंगे, एक्ने नहीं होंगे, और शाइन कंट्रोल है,
तो हाँ ये मैट रहता है, बाकी जो थोड़ी बहुत शाइन आएगी वो मेरे ऑयल की ही आ रही थी, जो सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। और फिर लिखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिगमेंट्स इन एन अल्ट्रा फ्लूइड टेक्सचर फॉर हाई कवरेज, तो इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। और जैसा फाउंडेशन आप हाथ पर लगाओगे ना, वैसा ही आपके स्किन पर लगेगा, फेस पर लगेगा, क्योंकि कई बार होता है ना आप हाथ पर कुछ फाउंडेशन लगा कर देखते हो, स्टोर पर भी देख लिया, फेस पर लगा रहे हो तो कुछ और लगता है, तो ऐसा नहीं है इसमें। और शेड्स भी अच्छे आते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:38 PM, 2-3 घंटों के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फेस पर कैसा लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 8:07, अराउंड 2.5 घंटे हो चुके हैं। फेस पे थोड़ा सा ऑयल आया है पर अच्छा लग रहा है, मुझे किसी टचअप्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑन कैमरा अच्छा लग रहा है, पिक्चर्स के लिए अच्छा लग रहा है। पर सामने से जैसे मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी, जस्ट थोड़ी सी इग्नोर करने वाली लाइन आई है, यहाँ पर थोड़ी सी लाइन आई है, और ऑयली स्किन जिनकी होती है, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो भी दिखने लगते हैं, थोड़े से विजिबल हो जाते हैं। पर ये ना ब्लर हो सकते हैं अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ऐसे डैप डैप करते हुए लगा लेते हैं इन पोर्स के ऊपर, इन फाइन लाइन्स के ऊपर, तो चला जाता है, इतना नहीं दिखता है। पर बिना टचअप के आपका देखिए ऑन कैमरा तो काम चल जाएगा, वैसे बाहर जाना है तो भी चल जाएगा, पर केकी कहीं से नहीं हुआ है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से बहुत ऐसा इकट्ठा हो गया है फाउंडेशन, बिल्कुल अभी ठीक लग रहा है 2.5 घंटे के बाद भी। तो कुछ और घंटे हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फाउंडेशन कैसा लग रहा है फेस पे। सो इट्स 11:30 नाउ, काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे नींद भी आ रही है क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, बस मैं वेट ही कर रही थी ये लास्ट क्लिप रिकॉर्ड करने का। तो फेस पे ऑयल आ रहा है पर ठीक है, क्रैक्स मैं देख रही हूँ कहाँ कहाँ पर ऐसे है, या कट्टा कहाँ हो रहा है, मतलब देखिए पास से देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे इतना ऑयल है या थोड़ा सा है ना मेकअप एक साथ हो गया है बहुत स्लाइट सा, पर दूर से ऐसे पता नहीं चलेगा, चल जाएगा ठीक है। पर टचअप्स वगैरह करोगे क्योंकि देखो आप अगर ऐसे देख रहे हो ना तो ये ठीक ही लग रहा है, और इधर ऑयल है, इधर टी जोन पे है, थोड़ा सा मेरी नाक पे ये हुआ है ऐसे, यहाँ पर इकट्ठा हो गया है फाउंडेशन, और थोड़ा आँखने के पास हुआ है, पर जब आँखने बड़ा होता है ना, पिंपल होता है वहाँ पर, अक्सर देखा गया है, या स्किन में बहुत ज़्यादा आँखने पिंपल्स होते हैं या पिटेड स्कार्स होते हैं तो भी मेकअप इकट्ठा हो सकता है, तो मेरा थोड़ा सा ये आँखने के यहाँ पर ऐसे हुआ है, पर कोई बात नहीं, तो अभी आ गया था, और जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर वैसे ठीक लग रहा है, दूर से तो अच्छा ही लग रहा है, और जो ऑयल भी आ रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि फेस पे वो ग्लो आ रहा है, तो ठीक लग रहा है। पर ओवरऑल फाउंडेशन इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आप कुछ लॉन्ग लास्टिंग में ढूंढ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा देर टिक जाएगा क्योंकि इस पर 24 आवर्स लिखा हुआ है, तो इतना नहीं टिकेगा, पर अगर आपको कम टाइम के लिए लगाना है सो इट्स ओके, आप इसके ऊपर कोई मैट सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। बाकी डेली वेयर के लिए फाउंडेशन मुझे ठीक लगता है, आपको ट्राई करना है तो आप भी कर सकते हो। और इस रिव्यू के लिए इतना ही था, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, और कॉमेंट करके मुझे बताना अगर आप लोगों ने भी इसको ट्राई करा होगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और फाउंडेशन भी ट्राई करूँ तो मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर एंड फेसबुक, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे ठीक है। चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।